दानिशा तौर पर टक्कर देकर एक खातून की जान लेने वाले शख्स को रायदुर्ग पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मामला यह है कि 18 दिसंबर की रात दो मोटरसाइकिल सवार केबल ब्रिज से वापस हो रहे थे कि रास्ते में उनके पीछे से गुजरने वाली कार ने तेज रफ्तारी से गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिसकी वजह से बाइक पर सवार अफराद पर नाले का गंदा पानी उछल पड़ा। इस मसले पर बाइक सवारों की कार चलाने वाले नौजवान राज सिम्मा से झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद वो वहां से चले गए। उनके आगे जाने के बाद कार सवार ने बरहमी के आलम में दोनों बाइक्स को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक बाइक पर सवार खातून मारिया साकिन एरागड्डा और उनके शोहर गिर पड़े और जख्मी हो गए। इन दोनों को जख्मी हालत में इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां कल उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कार चलाने वाले नौजवान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि उसने दानिशा तौर पर टक्कर दी है, इसलिए उसके खिलाफ सेक्शन 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। రాజసింహారెడ్డి అని చెప్పి జూబ్లీనేషన్ అబ్బాయి 26 ఇయర్స్ అబ్బాయి అట్లానే వెళ్ళారు. సింగిల్ ఒకడే ఉన్నాడు కారులో. ఉద్దేశపూర్వకంగా గుద్దిని కనుక యాక్సిడెంట్ చేసినాక దీన్ని 302 కింద చేయడం జరిగింది. 19th రోజు